पेश है श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ की टॉप 10 प्लस खबरें। कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राजस्थान सरकार हर संभव कदम उठा रही है। इस संक्रमण के फैलने की आशंका राशन वितरण प्रणाली पर भी छा गई है। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से उचित मूल्य राशन वितरण की दुकानों पर बायोमेट्रिक मशीन पर बिना अंगूठा लगाए ही उपभोक्ताओं को राशन वितरण का इंतजाम कर रही है। यह आदेश आज शाम तक जारी होने की संभावना है। श्रीगंगानगर जिला रसद अधिकारी राकेश सोनी ने बताया कि उचित मूल्य की दुकानों पर दुकानदार उपभोक्ता का बायोमेट्रिक मशीन पर अंगूठा या फिर उंगली का निशान लेने के बाद राशन देता है, लेकिन प्रदेश में कोरोना के फैलने की आशंका के चलते बायोमेट्रिक मशीन पर उंगली का निशान देने की बाध्यता सरकार हटा रही है। श्रीगंगानगर में पदमपुर रोड स्थित अंबिका सिटी में मंदिर के लिए आरक्षित भूमि पर बनाया गया कम्युनिटी हॉल बुधवार को सीज कर दिया गया है। नक्शे व स्वीकृत प्लान के विपरीत बनाए हॉल पर सीजर की कार्यवाही नगर विकास न्यास की टीम ने की। टीम में भूमि वापसी अधिकारी सतपाल, एक्सएन मंगल सेतिया, सहायक अभियंता सुखपाल कौर और कनिष्ठ अभियंता व लिपिक कर्ण आदि शामिल थे। पदमपुर कस्बे में हेवल्स कंपनी के स्टिकर लगाकर कूलर बेचने की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। मौके से स्टिकर सहित अन्य सामान बरामद कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि धोखाधड़ी के मामले में हेवल्स कंपनी के सहायक एरिया मैनेजर दिवाकर की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी का नाम का उपयोग कर कूलर बेचने की शिकायत मिली थी। इस पर जांच की गई तो पदमपुर में शिकायत की पुष्टि हुई। इस पर पुलिस की मदद से मंगलवार शाम को पदमपुर में 23 बेबी स्थित डेरा रोड पर संचालित गगन कूलर फैक्ट्री पर कार्यवाही की गई। श्रीगंगानगर में सरसों और चने की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए पंजीयन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। किसान गांव और शहर में किसी भी ई मित्रा पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। रजिस्ट्रेशन बायोमेट्रिक और ओटीपी के आधार पर होगा। जिला रसद अधिकारी राकेश सोनी ने बताया कि 1 अप्रैल से शुरू होने जा रही खरीद के लिए पंजीयन के दौरान गिरदावरी, जन आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, आईएफएससी कोड और गिरदावरी रिपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। इनमें से एक भी दस्तावेज नहीं होने की स्थिति में पंजीयन नहीं हो पाएगा। सूरतगढ़ कस्बे में महिला से मारपीट के बाद उसका पति 1 साल की बच्ची को अपने साथ ले गया। आरोपी के खिलाफ महिला ने रिपोर्ट देकर सूरतगढ़ शहर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। आरोपी इस महिला का दूसरा पति है। पुलिस के अनुसार राजविंदर कौर ने अपने रिपोर्ट में बताया कि उसकी शादी पहले श्रीगंगानगर के राजू उर्फ राम सिंह के साथ हुई थी। 5 साल पहले उसका राजू से तलाक हो गया। फिर वो अपनी मर्जी से 3 FD सूरतगढ़ के गुरदीप सिंह के साथ रहने लगी। 1 साल पहले उसने बेटी को जन्म दिया। परिवादिया का आरोप है कि 13 मार्च को गुरदीप ने उसके साथ मारपीट किया और उसकी 1 साल की बेटी को अपने साथ लेकर चला गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच हेड कांस्टेबल समय राम को सौंपी है। पैरोल पर गए आरोपी के नियत समय पर नहीं पहुंचने और फरार होने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाली पुलिस थाने में केंद्रीय कारागृह की प्रहरी ने रिपोर्ट दी है। पुलिस के अनुसार राजराम ने रिपोर्ट में बताया कि अमरजीत कुमार 17 फरवरी को पैरोल पर गया था। उसे 17 मार्च को वापस लौटना था, लेकिन वो नियत तिथि को नहीं आया। इस पर उसके खिलाफ कारागार राजस्थान संशोधन विधेयक के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। श्रीगंगानगर में जवाहरनगर नवोदय विद्यालय के बालक लोकेश की संदिग्ध मौत के मामले में प्रशासनिक जांच शुरू हो गई है। उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर की मौजूदगी में दफनाए गए शव को बाहर निकालकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। आज शाम तक पोस्टमार्टम होने की संभावना है। उपखंड अधिकारी उमेश सिंह रत्नू ने बताया कि मृतक बालक लोकेश के रिश्तेदार भूरा राम ने मौत पर संदेह जताया है। ऐसे में चुनामण पुलिस थाना प्रभारी परमेश्वर सुथार को उनकी मौजूदगी में दफनाए गए शव को बाहर निकालकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने के निर्देश दिए गए हैं। श्रीगंगानगर के राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती हुए एक वृद्ध का शव 11 दिनों तक अंतिम संस्कार के लिए इंतजार करता रहा। 6 मार्च को ही वृद्ध की मौत हो गई थी। तकरीबन 15 दिन पहले वो पेट दर्द का उपचार करवाने के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचा था। केसरी सिंहपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि मलकाना खुट के सतनाम सिंह ने रिपोर्ट देकर मामला दर्ज करवाया है। थाना प्रभारी के अनुसार गांव के गुरतेज सिंह को पेट दर्द की शिकायत के चलते श्रीगंगानगर के जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया था। यहाँ 6 मार्च को उसकी मौत हो गई। जहाँ ज्यादा लोग एक साथ ठहरे वहाँ कोरोना जैसा वायरस तेजी से फैलता है। कोरोना के इस खतरे को लेकर निजी वातानुकूलित बसों के संचालकों को सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है। श्रीगंगानगर के CMHO डॉक्टर गिरधारी लाल मेहरड़ा और PMO डॉक्टर KS कामरा ने इस संबंध में निजी बस संचालकों को सतर्कता बरतने के मौखिक निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने निर्देशों में बताया कि बसों में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जाए। इस निर्देश के बाद निजी बस संचालक भी सतर्क हो गए हैं। हालांकि हाइपोक्लोराइड दवा के छिड़काव का तो पता नहीं, लेकिन बाकी चीजों पर ध्यान रखना शुरू कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के विशेषाधिकारी ने कोरोना वायरस फैलने की आशंका के चलते बोर्ड परीक्षा 2020 के मद्देनजर विशेष सावधानी बरतने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। खांसी, जुकाम और बुखार से पीड़ित परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में अलग से बैठने की व्यवस्था की जाएगी।
प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को भेजे पत्र में बोर्ड के विशेषाधिकारी ने निर्देशित किया है कि परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों के बीच की दूरी कम से कम 1 मीटर होनी चाहिए। जिन परीक्षा केंद्रों में कमरे छोटे हैं वहां परीक्षार्थियों की संख्या आधी कर दी जाए, आधे परीक्षार्थियों को अन्य कमरों में बैठाया जाए। बाइक में पेट्रोल डलवाते समय आग लगने से एक युवक झुलस गया। उपचार के लिए उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां उसकी मौत हो गई। घटना हिंदुमलकोट पुलिस थाने की है। पुलिस ने बताया कि खाट लबाना के पूर्णचंद ने रिपोर्ट में बताया कि उसकी पत्नी का भाई विजय कुमार बीती 9 फरवरी को बाइक में पेट्रोल डलवाने के लिए गाँव में एक दुकान पर गया था। दुकान में बोतल के जरिए बाइक में पेट्रोल डालते समय अचानक आग लग गई जिससे विजय बुरी तरह से झुलस गया। उपचार के दौरान मंगलवार को उसकी अस्पताल में ही मौत हो गई। श्रीगंगानगर अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन डॉक्टर गुंजन सोनी ने मंगलवार को रायसी नगर पंचायत समिति, तहसील कार्यालय, उप कारागृह और गसिंगपुर पुलिस थाने का निरीक्षण किया। वार्षिक निरीक्षण में व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई। एडीएम सोनी ने गसिंगपुर पुलिस थाने में निरीक्षण के दौरान पुलिस थानाधिकारी को पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस थाने में जमा लाइसेंसी हथियारों को रिलीज करने का निर्देश दिए। कार चालक ने तेजी और लापरवाही से वाहन चलाकर सड़क पर खड़ी रेडी में टक्कर मार दी जिससे रेडी टूट गई। पीड़ित ने श्रीगंगानगर कोतवाली पुलिस थाने में परिवाद दिया है। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दिए परिवाद में कन्हैया लाल ने बताया कि दुर्गा मंदिर के नजदीक वो रेडी लगाता है। 6 मार्च की रात को अज्ञात कार ने टक्कर मारकर उसकी रेडी तोड़ दी। लापरवाही से बाइक चलाकर टक्कर मारने के मामले में सूरतगढ़ शहर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस को दी गई रिपोर्ट में परिवादी ने बताया कि आरोपी की लापरवाही से उसके पोते के पैर में फ्रैक्चर हो गया। पुलिस ने बताया कि मोहम्मद यार की रिपोर्ट के अनुसार वो अपने पोते के साथ बाइक पर बाजार जा रहा था। रास्ते में सामने से आ रहे बाइक चालक ने बाइक को तेजी और लापरवाही से चलाकर उसकी बाइक में टक्कर मार दी जिससे उसके पोते के पैर की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। घरसाना कस्बे में पिकअप गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। घटना के संबंध में मृतक युवक के चाचा ने रिपोर्ट देकर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस को सौंपी रिपोर्ट में निक्कू राम ने बताया कि उसका भतीजा मंगतू राम घरसाना जा रहा था। रास्ते में पिकअप गाड़ी के चालक ने मंगतू राम की बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से मंगतू राम घायल हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। श्री राम जन्म महोत्सव समिति की बैठक श्री गंगानगर एल ब्लॉक हनुमान मंदिर में हुई। बैठक की अध्यक्षता विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष राजेंद्र गोयल और विजय गोयल उद्योगपति ने की। बैठक में कोरोना वायरस के कारण शोभा यात्रा नहीं निकालने का निर्णय किया गया। समिति के जनसंपर्क प्रमुख महेश पेड़ीवाल, हनुमान गोयल और सुशील बोरड़ के नेतृत्व में सोमवार को जिला कलेक्टर से भी मिले। कोरोना का असर रेलवे में भी देखने को मिला है। रेलवे ने श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर सहित कई स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट के रेट 5 गुना बढ़ाकर 50 रुपए कर दिए हैं। प्लेटफॉर्म टिकट का बढ़ा शुल्क तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। बीकानेर रेल मंडल के तहत आने वाले रेलवे स्टेशनों पर 31 मार्च तक के लिए शुल्क बढ़ाया गया है। कोरोना से बचाव के मद्देनजर स्टेशनों पर भीड़ कम करने के लिए रेलवे ने मंगलवार को NSG 2 और 3 स्टेशनों का टिकट 10 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।